नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिरीन और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन पर कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और बैठक में किसान आंदोलन को लेकर चर्चा होगी। किसानों को लिखित आश्वासन आज दे सकती है सरकार। कैबिनेट की बैठक में लिखित आश्वासन दिया जा सकता है और साथ ही दोपहर 12 बजे आज किसानों की महापंचायत भी होनी है, क्योंकि किसानों का कहना है कि अब वो आगे की रणनीति पर काम करेंगे और सरकार की तरफ से किसानों को एक प्रस्ताव आज दिया जा सकता है। और इसीलिए ये बैठक हो रही है क्योंकि 14 दिन हो चुके हैं, 14वां दिन है किसान आंदोलन का। लगातार बीते 14 दिनों से सरकार से नाराजगी को लेकर, कृषि कानूनों से नाराजगी को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और आज एक और कोशिश ये होगी कि इस प्रस्ताव के जरिए किसानों की नाराजगी को कम किया जा सके। सीधे रुख करेंगे रविंद्र हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविंद्र, बैठक कितनी देर में और कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक? देखिए, 10:35 में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी और माना जा रहा है कि सरकार अपनी तरफ से जो प्रपोजल किसान नेताओं को भेजने वाली है उस पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। हालांकि सीरीन, जी न्यूज़ ने पहले ही चलाया था कि तीनों बिल निरस्त नहीं हो गया, ये कल गृह मंत्री ने किसान नेताओं को स्पष्ट तौर पर कह दिया और किन किन चीज़ों पर सरकार अमेंडमेंट कर सकती है, लिखित में दे सकती है, वो सब ने आपने बताया था देशवासियों को। उसमें जाहिर तौर पर MSP को लेकर है, मंडी को लेकर है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है कि SDM की जगह पर सिविल कोर्ट जा सकता है, जो बिजली का बिल है अध्यादेश है उस पर है, पराली में 1 करोड़ रुपया जो जुर्माना है, इन सभी 5 जो बिंदु है जो मूल मांग किसानों को कहा जा सकता है उस पर सरकार लिखित में आश्वासन आज देगी किसान नेताओं को। और जो हमें जानकारी मिल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कल सरकार के साथ औपचारिक बैठक हो सकती है किसानों की, आज उस पर विचार करने के बाद। लेकिन एक बात जरूर है, किसान नेता जो कह रहे हैं कि बार बार कि तीनों बिल निरस्त किया जाए, सरकार स्पष्ट तौर पर है और साफ तौर पर कल भी कह दिया है गृह मंत्री ने और उसके पहले भी साफ तौर पर किसान नेताओं को बता दिया गया था कि बिल निरस्त नहीं होंगे, जो परेशानियां हैं उसे दूर की जाएगी, जो दिक्कतें हैं वो अमेंडमेंट के जरिए उसे दूर किया जा सकता है। और माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक चंद मिनटों बाद शुरू होने वाली है, उसमें इस पर विचार किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से लचीला रुख अपनाए हुए किसान नेताओं को एक होना है। अब क्योंकि देखिए, हमारे दर्शक इस वक्त और हमारे शायद किसान भाई भी अगर जी न्यूज़ देख रहे होंगे तो उनके लिए आसान शब्दों में समझाइए कि आज, क्योंकि गतिरोध खत्म करने की कोशिश है सरकार की, जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या हो सकती है? देखिए शिरीन, सबसे बड़ी परेशानी अगर किसानों की है या मांग थी कि MSP खत्म नहीं होनी चाहिए, MSP पर सरकार आश्वासन दे। MSP पर सरकार आश्वासन देगी, लिखित आश्वासन देगी कि MSP कभी भी खत्म नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ी मांग है वो लिखित में जा सकता है कि MSP खत्म नहीं होगा। हालांकि MSP को बाध्यकारी करना वो शायद सरकार के लिए भी नहीं और किसी सरकार के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर और राज्य सरकारों को भी परेशानी होगी, यहाँ तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी परेशानी होगी। एक उदाहरण दे दूँ कि MSP का अगर 60-70 हज़ार करोड़ रुपया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, तो उसमें 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपये एक एग्जाम्पल के तौर पर वो पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए जाता है MSP का, जिसे PDS के लिए सरकार खरीदती है और PDS का अगले 2 साल तक का गोडाउन भरा हुआ है, यानी इस साल जो खरीदाएगा वो अगले 2 साल के बाद तीसरे साल के लिए खरीदाएगा और 95% किसान पंजाबों के MSP पर खरीदा जाता है। तो MSP को लेकर केवल सरकार ये कहेगी कि ये खत्म नहीं होगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो सरकार को, किसानों को जो एक बड़ी मांग है, उसको सरकार को भी लग रहा है कि उसमें लचीला रुख अपनाना चाहिए, SDM कोर्ट उसके जगह पर रेगुलर कोर्ट में जाएगा, ये लिखित में दिया जाएगा। जो प्राइवेट पार्टी जो आएंगे मंडियों में, किसानों को मांग है कि हमें जिस तरह रजिस्ट्रेशन होता है शुल्क लगता है, उनको केवल पैन के आधार पर नहीं होना चाहिए, उनको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनके ऊपर भी कुछ शुल्क लगना चाहिए, यह दिया जा सकता है। और बिजली बिल अधिनियम उसको लेकर है और पराली, एक गलतफहमी है कि किसानों को 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना होगा, ये सरकार दूर कर देगी। तो कहीं ना कहीं जो मूल मांग है सरकारों से, कोशिश भी है रविंद्र जो आप बता रहे हैं ना, ये कोशिश सरकार की शुरू से रही है कि जो भ्रम की स्थिति किसानों में पैदा की गई है वो दूर की जाए और कोशिश आज भी इसी को लेकर होगी इस प्रस्ताव के जरिए। मेरे साथ राजू राज भी है, मैं उनके पास जाऊं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता रहे हैं हम दर्शकों को कि सरकार के लिखित प्रस्ताव का इंतजार। ये राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है कि किसानों की बैठक में सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सरकार के सुझाव पर हम चर्चा करेंगे। आंदोलन की रूपरेखा सरकार के प्रस्ताव पर निर्भर करती है, यानी कि सरकार के प्रस्ताव के बाद ये तय होगा कि अब इस आंदोलन की रूपरेखा आगे क्या होगी।
कल जो बात हुई उस बात से क्या आप क्या कहना चाहते हैं? कल बात हुई है, कुछ स्पष्टीकरण हो पाया कल गृह मंत्री ने? आप लोग काफी समय से ये भी कह रहे थे कि गृह मंत्री ने से बात होनी चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। हाँ, तो आ गए वे सामने, आ गए। तो उनसे बात करके कोई संतुष्टि हुई? कोई उन्होंने ये कहा कि हम एक ड्राफ्ट देंगे, भारत सरकार का एक दस्तावेज देंगे पूरा, और उस पर किसान चर्चा कर ले, फिर आगे की बात फिर कर लेंगे। तो मतलब अभी इस प्रोटेस्ट को किस रूप में देखा जाए, ये क्या लंबा चलेगा, या ये उम्मीद कर सकते कि इस ड्राफ्ट के बाद इस जो प्रोटेस्ट है इसमें विराम लग जाएगा? एक नई जो आंदोलन होगा उसकी फिर रूपरेखा क्या होगी, कैसे इसको चलाना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ इसमें इस्तेमाल होगी, तो सारी चीज़ों का जो ड्राफ्ट होगा हम बात करेंगे भारत सरकार से, फिर नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें आज फिर ड्राफ्ट के बाद में तय होगी। एक चीज़ जानना चाहते हैं राकेश जी, किसान नेता काफ़ी सारे हैं। हाँ, बहुत हैं। तो क्या आपस में तालमेल बन पा रहा है, क्योंकि कई कई अलग बातें भी आ रही हैं, इतने बजे ये होना है या ये होना है, कई कई सारी बातें। हम क्या कोई ज़्यादा लिखे पड़े हैं कि हमारा टाइम टेबल चले, हमारा कोई ऑफिस है यहाँ पे, जिस टाइम आ जाए जिस टाइम बात होनी पंचायत होनी बैठ के बड़ा बात कर ले। तो आज हम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक वो ड्राफ्ट आ जाएगा, बातचीत करेंगे सब, तो उम्मीद है कि 4-5 बजे तक काफी चीजें क्लियर होंगे। 4-5 बजे तक क्लियर, उसके बाद आप लोग आगे की रूपरेखा तय करेंगे? हाँ, कर लेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.